उलूम मस्जिद में तरावी की नमाज हुई पूरी, कल से पढ़े जाएगी सूरह तरावी। दरअसल बता दें कि पाक माह रमज़ान की शुरुआत होते ही तरावी की नमाज पढ़ी जाती है। तमाम रोज़ेदार बाद नमाज ईशा के तरावी की नमाज पढ़ते हैं। इसी कड़ी में कटिहार के विभिन्न मस्जिदों में तरावी की नमाज पढ़ी जा रही है, जो एक कुरान शरीफ पूरी पढ़नी होती है। आज कटिहार के दारुल उलूम मस्जिद में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने तरावी की पूरी नमाज अदा की। इस दौरान मौलाना ने दुआ में देश में सुख शांति की दुआएं के साथ साथ हमारे देश की किस तरह विकास हो उसको लेकर भी दुआएं की। दूसरी इशारा है जिसने तरावी की नमाज में मेहनत और मशक्कत करके कुरान पाक को सुना, ईमान ईमान की हालत और एहतिसाब, उनको सवाब की उम्मीद भी हो कि अल्लाह मैं तरावी की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अल्लाह मैं तरावी की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अल्लाह मैं कुरान मुकद्दस जिसे रुमाल है खुद से आबिद है। जब आप खुद से जिम्मेदार के हाथ में देंगे तो आपको एक अलग मजा मिलेगा, एक लुत्फ मिलेगा। बल्कि आप पूछ रहे हैं हजरत नाज़िम साहब अभी तशरीफ फरमा कहाँ है, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे दुआ करना चाहते हैं, फिर भी करते पाक माह रमज़ान चल रहा है और खास समाप्त तरावी है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये रमज़ानुल मुबारक का पवित्र और मुबारक महीना चल रहा है, हम ये तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस मुबारक महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इबादत करें, कुरान मुकद्दस की तिलावत करें और इसी तरीके से नमाज का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें, सुन्नतों का एहतमाम करें और तरावी की नमाज का एहतमाम करें। जो भाई रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रख पा रहे हैं किसी उज़्र और परेशानी की वजह से, उनको चाहिए कि दूसरे अय्याम में वो रोज़ा रखें। जी, इस पाक माह रमज़ान कितने एक माह का होता है, कितना इंतज़ार रहता है इस रमज़ान का? ये मुबारक महीना जो रमज़ान का जो होता है मुकम्मल एक महीने का होता है और इसका इंतज़ार हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम भाइयों को 11 महीने से इंतज़ार होता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आएगा। इस मुबारक महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे, अपने अल्लाह को, अपने खुदा को, अपने ईश्वर को, अपने गॉड को राज़ी करेंगे, खुश करेंगे। जी, ये कौन सा मस्जिद है और समाप्त तरावी की गई आज? ये कटिहार की सबसे बड़ी मस्जिद दारुल उलूम लतीफ़ी की जामे मस्जिद है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दारुल उलूम की जो बुनियाद रखी गई है 11 नवंबर 1938 में इस दारुल उलूम की बुनियाद रखी गई है और उसी वक्त से यहाँ हुफ्फाज हाफिज़ की और उलमा की फजला की यहाँ तालीम होती है। हर साल यहाँ से हज़ारों के तादाद में तो नहीं कहा जाए बल्कि 100 के तादाद में हुफ्फाज और उलमा फजला दोनों मिला करके कभी किसी साल 30 हुफ्फाज और फजला यहाँ से फारिग होकर निकलते हैं। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद शमीम अख्तर नदवी है और इस मस्जिद में तकरीबन 15 से 20 साल से 10 अय्याम की तरावी का अहतमाम किया जा रहा है। इससे पहले भी अहतमाम किया जा रहा था जो 15 अय्याम के पूरे महीने की तरावी में कुरान मुकद्दस सुनाया जाता था, लेकिन 15 साल से
अल्हम्दुलिल्लाह तमाम भाइयों ने, तमाम मुसल्लियान ने मेहनत करके 10 अय्याम में मुकम्मल कुरान पाक सुनाने का इस मस्जिद में एहतमाम किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन है जिस दिन कुरान मुकद्दस तरावी की नमाज में मुकम्मल किया गया है। थैंक यू सो मच।